आज स्टार्ट करते हैं ग्लूकोमा। ANS की सारी ड्रग्स हमने पढ़ ली हैं, चारों क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं हम, पूरी ड्रग्स खत्म हो चुकी हैं। ग्लूकोमा को ANS के लास्ट में ही पढ़ाया जाता है, ANS के साथ ही, बिकॉज जो ग्लूकोमा में ड्रग्स यूज होती हैं बहुत सारी, वो ANS की ही ड्रग्स हैं। सो ग्लूकोमा लास्ट टॉपिक है ANS का, ओके। सो ग्लूकोमा को स्टार्ट करते हैं। सो इसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं, ग्लूकोमा क्या है। ग्लूकोमा इज अ प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी विच लीड टू डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व विथ लॉस ऑफ विजुअल फंक्शन दैट इज एसोसिएटेड फ्रिक्वेंटली विथ राइज IOP। बेसिकली इसमें होता क्या है कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है ग्लूकोमा में। सो इंट्राओकुलर प्रेशर जब बढ़ेगा उससे क्या होगा, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, और जो आगे जाके ऑप्टिक जो नर्व होती है, ओके, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी। अब जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी तो दिखना उसको बंद हो जाएगा। सो बस ग्लूकोमा में यही होता है, मतलब कि IOP बढ़ जाता है। IOP मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, जो एक्वस ह्यूमर होता है ना, वो एक्वस ह्यूमर के कारण इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। या तो वो बहुत ज़्यादा बन रहा होता है एक्वस ह्यूमर, या एक्वस ह्यूमर निकल नहीं पा रहा होता है, ड्रेनेज उसका प्रॉपर नहीं हो रहा है, सो बढ़ जाता है। इसके वजह से IOP बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब ये है कॉर्निया, ओके, ये आयरिस, ये प्यूपिल, ये लेंस है, ये सिलियरी मसल्स है। सो बेसिक देखते हैं कैसे बनता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कैसे बनता है, जो सिलियरी मसल्स होती हैं, सिलियरी मसल्स की प्रोसेस होती है उसके द्वारा बनता है। जो ब्लड वेसल्स आती हैं सिलियरी मसल्स में, उसके क्षमता है उससे के थ्रू बनता है, उसके थ्रू बनेगा, और यहाँ से होते हुए ये प्यूपिल के थ्रू यहाँ पे पहुँचता है, और ये यहाँ पे एक कैनाल होती है, इसको बोलते हैं कैनाल ऑफ सुलेमान। जो कैनाल ऑफ सुलेमान होती है, इसका मेन ड्रेनेज होती है एक्वस ह्यूमर का, यहाँ से बन के ये इस कैनाल के थ्रू निकल जाता है, ड्रेनेज हो जाता है इसका, ओके। और ये तो मेन पार्ट है, कुछ पार्ट इसका यहाँ से बगल से ही निकल लेता है, उसको बोलते हैं यूबियोसैक्रल आउटफ्लो। ये इमरजेंसी आउटफ्लो है, बाकी मेनली 90% तो इसी से होगा, ओके। ये ओनली 10% है यूबियोसैक्रल आउटफ्लो। अब दो टाइप का होता है ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा। एंगल मतलब कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल यानी कि जो कॉर्निया और आयरिस के बीच में ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस एंगल की ही बात हो रही। अगर ये एंगल ओपन है, खुला हुआ, तो ओपन एंगल ग्लूकोमा, अगर ये क्लोज हो गया, क्लोज कुछ भी इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो गया तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा बोलेंगे उसको, ठीक है ना। इस एंगल की बात हो रही, इस एंगल को क्या बोलते हैं, इरिडियो कॉर्नियल एंगल, क्योंकि ये आयरिस है तो आयरिडो कॉर्नियल और एंगल बोलेंगे इसको, ठीक है ना। ये है बेसिक। अब हम ड्रग्स पढ़ सकते हैं। सो इसके ड्रग्स को हम दो टाइप से ही पढ़ सकते हैं क्या, एक तो क्या करें, इसका फॉर्मेशन कम कर दें, अगर ये कम बनेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ओके। और दूसरा हम इसका आउटफ्लो को बढ़ा दें, ओके, या तो यहाँ से, या तो यूवीसेक्रल से, या फिर ट्रेबुकुलर आउटफ्लो बढ़ा दें। तो दो ही टाइप का इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। सो आज अब ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। ट्रीटमेंट में या तो फॉर्मेशन को कम कर दें, एक्वस ह्यूमर कम ही बनेगा तो IOP भी कम होगा, या फिर उसके आउटफ्लो को बढ़ा दें। तो ये जो ड्रग्स हैं जो फॉर्मेशन के ड्रग को कम करती हैं, वो ड्रग्स हमने मेनली पढ़ चुके हैं हम पहले ANS में। उसमें क्या क्या आएगा, अल्फा अगोनिस्ट, बिकॉज ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। अल्फा क्या करेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, ब्लड ही कम आएगा तो बनेगा भी कम, ओके। सो अल्फा हम अगोनिस्ट दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर, बीटा टू हमने कहा था, अल्फा से कंस्ट्रिक्शन, बीटा से वेसो डायलेशन। सो अगर वेसो डायलेशन हो रहा है बीटा से, अगर बीटा को हमने ब्लॉक कर लिया तो क्या हो जाएगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन। सो वेसो कंस्ट्रिक्शन हम फिर से बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं। तीसरी जो ड्रग्स के नाम आते हैं वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होती है, बेसिकली एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये वाले ड्रग्स होती हैं। सो अल्फा अगोनिस्ट में जो ड्रग्स हैं वो एड्रेनालिन, डिपीवेप्रिन, एप्राक्लोनिडिन और ब्रिमोनिडिन, ओके, ये चार ड्रग हैं। ये हम चारों ड्रग्स पढ़ लिख चुके हैं, एड्रेनालिन और डिपीवेप्रिन। डिपीवेप्रिन जो है ना, ये प्रो ड्रग है एड्रेनालिन की। एड्रेनालिन जैसी ही ये प्रो ड्रग है, प्रो ड्रग ये जाएगी पहले अंदर और फिर ये एड्रेनालिन बना देगी। इसकी पेनिट्रेशन क्षमता बहुत है, ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ओके, एड्रेनालिन से फास्ट। सो ये प्रो ड्रग है डिपीवेप्रिन। एप्राक्लोनिडिन और ब्रिमोनिडिन, ये भी दो ड्रग और हैं इसमें। फिर बात करते हैं बीटा ब्लॉकर की। बीटा ब्लॉकर तो बहुत यूज होते हैं, ओके। सो टीमोलोल, कार्टियोलोल, लेबोब्यूनोल और बिटॉक्सोलोल। टीमोलोल बहुत यूज करते हैं हम। अल्फा ब्लॉकर का यूज बहुत कम होता है, जनरली बीटा ब्लॉकर का यूज करते हैं हम ग्लूकोमा में। सो बीटा ब्लॉकर बहुत प्रचलित हैं, टीमोलोल, कार्टियोलोल, लेबोब्यूनोल और बिटॉक्सोलोल। एल फोर लेबोब्यूनोल, एल फोर लॉन्ग एक्टिंग फॉर आई में, आई में बहुत लॉन्ग एक्टिंग है ये वाले ड्रग्स, ठीक है ना। तीसरी बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की। उसमें आता है एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, डोरजोलामाइड। जो जो ड्रग्स एंड विथ जोलामाइड,
उस ड्रग्स को बोलेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ये हम किडनी में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बस इनके नाम याद कर लो, एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, डोरजोलामाइड। ओके, सो ये तीन टाइप के ड्रग्स जो कि फॉर्मेशन को कम कर देंगे। इनके साइड इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है, सो साइड इफेक्ट याद करना है मैंने इनके, एप्राक्लोनिडिन CL और ID, LID, इससे लिड रिट्रैक्शन, इसका साइड इफेक्ट है इस ड्रग्स का लिड रिट्रैक्शन। और जो ब्रिमोनिडिन है जो BR, इससे फॉर ब्रेन का डिप्रेशन हो जाता है। ओके, इसका साइड इफेक्ट। एड्रेनालिन का जो साइड इफेक्ट है वो कंजक्टिवल पिगमेंटेशन हो जाता है उसमें। ओके, कंजक्टिवा में। बीटा ब्लॉकर के जो एडवर्स इफेक्ट हैं या साइड इफेक्ट हैं वो तुम्हें पता है सब लोगों को, ABCD, वही AB ब्लॉक, डायबिटीज मेलाइटस, अस्थमा, इन पेशेंट में हम नहीं दे सकते। ओके, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के बढ़ेंगे किडनी में। फिर बात करते हैं आउटफ्लो को बढ़ाने वाली ड्रग्स, जो आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं। ओके, सो दो टाइप के आउटफ्लो थे हमारे पास, कौन कौन से? एक तो ये आउटफ्लो था, इसको बोल रहे थे ट्रेविकुलर आउटफ्लो जो मेन था, एक था यूवियोसैक्रल आउटफ्लो। सो जो ट्रेविकुलर आउटफ्लो को बढ़ाने वाले ड्रग्स हैं उनको म्यूटेक्स बोलते हैं। ओके, और म्यूटेक्स हम पढ़ चुके हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स जो थी, कोलिनर्जिक ड्रग्स थी कुछ, और कुछ थी एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ड्रग्स थी, एंटी एसिटाइल कोलिन। सो ये है पिलोकार्पिन, फिजियोस्टिगमिन, इकोथायोपेड, तीनों ड्रग्स। मैंने बताया था उस लेक्चर में भी लास्ट में कि पिलोकार्पिन P4 पिलोकार्पिन P4 प्यूपिल पे काम करती है। ओके, सो पिलोकार्पिन, फिजियोस्टिगमिन और इकोथायोपेड। दूसरी जो ड्रग्स हैं यूवियोसैक्रल आउटफ्लो को बढ़ाती हैं उनको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन है, वो मेनली PGF2 अल्फा अगोनिस्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करता है जनरली, एक MMP एक प्रोटीन होती है। ओके, ये P4 प्रोटीएज होता है, मेटलो प्रोटीएज। सो ये प्रोटीएज मतलब एंजाइम है, ये तोड़ देता है प्रोटीन को और वो जो कैनाल ब्लॉक है उसको खोल देगा। सो लेटेनोप्रोस्ट, बेमेटोप्रोस्ट, ट्रावोप्रोस्ट और टेप्लोप्रोस्ट। सो जो ड्रग प्रोस्ट में ख़त्म हो रही है वो जनरली प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्ट और प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, सो हमेशा याद रखना है इसको, लेटेनोप्रोस्ट, बेमेटोप्रोस्ट, ट्रावोप्रोस्ट और टेप्लोप्रोस्ट। इनके भी साइड इफेक्ट मैंने, इनके भी साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। सो जो म्यूटेक्स हैं उनके नाम में ही C और S से इसके साइड इफेक्ट निकल आते हैं, C4 कैटारेक्ट और S4 स्टीनोसिस ऑफ नेजोलैक्राइमल डक्ट। नेजोलैक्राइमल डक्ट में स्टीनोसिस के चांस बढ़ जाते हैं और कैटारेक्ट। प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें तो इसके भी नाम से इसके साइड इफेक्ट निकलते हैं, PGF2 लिख लो, P4 पिगमेंटेशन ऑफ आयरिस में पिगमेंटेशन हो जाएंगे, उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमिया आयराइडिस। G4 ग्रोथ ऑफ आईलेसिस की ग्रोथ हो जाएगी, उसको बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। ओके, और F4 होता है फ्लूड इन मैकुला, सो उसको बोलेंगे मैकुलर इडिमा। सो ये इसके तीन मेन साइड इफेक्ट हैं। ओके, एक कंडीशन होती है अक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा, ये अक्यूट अटैक होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा का, जो मैंने दो टाइप का बताया ना, ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा। सो जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा है अगर उसका अक्यूट अटैक हो गया, मतलब एकदम से प्रेशर बढ़ गया, अक्यूट अटैक हो गया, तो उसमें एक ड्रग्स का यूज करते हैं, वो है मैनिटॉल। ओके, जो फास्ट एक्टिंग है ये मैनिटॉल सही कर देगी, सो मैनिटॉल का यूज करते हैं। और क्लोज एंगल ग्लूकोमा में जनरली लास्ट जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी होती है, क्योंकि उसकी कैनाल भी बंद है तो उसको सर्जरी के द्वारा साफ कर देंगे, सो सर्जरी ही उसका लास्ट ट्रीटमेंट है। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही।